मेरा माँ बाप, माँ 1.5 साल का था जब ही मर गया। अच्छा। मेरा बाप 12 साल का था जब ही मर गया। मेरा 4 आना पगार में होटल में नौकरी के लिए यहाँ आया। इधर 62 साल हो गया नाके पे। 62 ईयर हो गए। हाँ, 1963 बचपन से देख रहा हूँ मैंने। 1900 सब जानते हैं, मगर ये उम्र में सब फायदा उठा। आपकी कोई शादी वगैरह नहीं हुई? शादी नहीं किया। और ये लोग काम करावे तो 10-20 रुपया दे, क्या करे, काम का के 10-20। सब जानते हैं फिर भी फायदा उठाते हैं कि कुत्ते को रोटी डालेगा तो डूब ही लाएगा, ऐसा वैसा पे भाई। अंकल उनका कपड़ा किसी दुकान में उन्होंने दिया हुआ था। अच्छा, वो दुकान के अंदर ही रहते हैं? नहीं, दुकान में नहीं, वो बाहर रहते हैं। अभी यहाँ पे सब बाकी भी लोग उनको काफी काम वगैरह करवाते हैं, परेशान करते हैं। अच्छा, सोते कहाँ पे? वो सोते यहीं पे, यहीं सो जाते हैं, यहीं पे सोते हैं। फिर वहाँ पे स्टेशन के पास, वहाँ पे पीछे नीचे जगह है, वहाँ सो जाते हैं बेचारे लोग। अच्छा अच्छा, कहाँ गए चाचा? कहाँ गए चाचा? आइए। तरुण जी हैं, ये आपको लेके जाएंगे। नमस्ते चाचा। आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाएगा, ठीक है? क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम वसंत है। वसंत? मैं वेरावल सोमनाथ का है। सोमनाथ का? अच्छा, वेरावल के। वेरावल सोमनाथ। हाँ हाँ, जानता हूँ। मेरा माँ बाप, माँ 1.5 साल का था जब ही मर गया। अच्छा। मेरा बाप 12 साल का था जब ही मर गया। मेरा 4 आना पगार में होटल में नौकरी के लिए यहाँ आया। इधर 62 साल हो गया नाके पे। 62 ईयर हो गए। हाँ, 1963 बचपन से देख रहा हूँ मैंने। 1900 सब जानते हैं, मगर ये उम्र में सब फायदा उठा। आपकी कोई शादी वगैरह नहीं हुई? शादी नहीं किया। हम मेहनत करना जानते हैं, पर ठापा हट गया है ना हमारा भाई, क्या करे। हमको जो मदद करता था वो आदमी भी गुजर गए भाई, क्या करे। कितने लोग तो इन्हें बोलते हैं कि जाके सुसाइड कर लो। हाँ, मिट्टी 10-12 दिन से स्टेशन पे जाके पड़ा रहा है, क्या करे भाई। इतना गर्मी में काम होता नहीं उसमें, और ये लोग काम करावे तो 10-20 रुपया दे, क्या करे। काम का के 10-20। सब जानते हैं फिर भी फायदा उठाते हैं कि कुत्ते को रोटी डालेगा तो डूब ही लाएगा, ऐसा वैसा पे भाई। कोई नहीं दादा, मजबूरी होता है इंसान का, बाकी तो समय है। एक कहते हैं ना, जब मजबूरी होता है तो लोग इस तरह से फायदा उठाते हैं। चलिए, अभी अभी हमारे परिवार में रहिएगा, वहाँ पे काफी अच्छा है सूरत के अंदर। आपने कहा कि आप गुजरात के हो तो सूरत में रहना चाहते हो। देखो, मौत तो ऊपर वाले के हाथ में, मेरे हाथ में। 3 साल से सबको भड़का रहे, कोई तो बोलता है जाके पटरी में मर जाओ बोलता है, क्या करे। फिर भी हम डेयरिंग करता है, हिम्मत करता है। आपके सेवा के लिए रहे, इसको जो बोलोगे करेगा, करेगा ना? पक्का करेगा। ठीक है, ठीक है? पसंद आया आपको? हाँ, अच्छा है।